हाय वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 2020 फेवरेट्स, मतलब 2020 में मैंने जो भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं उनमें से जो मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड दिस इज ओनली पार्ट वन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जो मेरे फेवरेट्स है, तो मैं आने वाले वीडियोस में आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 2020 में मैंने काफी सारे नए ब्रांड्स ट्राई किए हैं, काफी सारे नए प्रोडक्ट्स को मैंने ट्राई आउट किया है। सो देर आर अ लॉट ऑफ फेवरेट्स एंड देर आर ऑल्सो की जो मैं कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगी, ऐसे प्रोडक्ट्स भी है, तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, दैट वॉज ऑल्सो पार्ट वन। उस वीडियो को आप यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में जो पहला प्रोडक्ट मैं शेयर करने वाली हूँ वो है वाओ स्किन साइंस, ये एंटी एजिंग फूजी माचा ग्रीन टी क्ले फेस मास्क। एंटी एजिंग फेस मास्क है, बट ये आप डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये एंटी एजिंग है, बट मुझे पर्सनली से इस्तेमाल करके ऐसा लगा है कि अगर आपके एक्ने प्रोन या पिंपल प्रोन स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, तो ये आपके लिए अच्छा वर्क करेगा। ये क्ले फेस मास्क है और मेरी स्किन ड्राई है येट सेंसिटिव है, मतलब ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम मैं फेस करती हूँ, तो मेरी स्किन को ना ये बिल्कुल ड्राई आउट नहीं करता, दैट्स वाई मुझे ये इतना अच्छा पसंद है। और मुझे क्ले फेस मास्क इस्तेमाल करना बहुत पसंद होता है क्योंकि फेस को अच्छे से क्लीन करता है, डीपली क्लीन करता है, बट बहुत ही ज्यादा ड्राइंग है, दैट्स वाई मुझे उतना पसंद नहीं आता था। बट दिस वन रियली ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये फेस को ड्राई आउट नहीं करता, और हाँ अगर छोटे छोटे फोरहेड बम्प्स है या फिर छोटे छोटे पिंपल्स है तो उसको सप्रेस कर देता है, फेस को क्लीन करता है। मुझे ना जनरली रेडीमेड फेस पैक्स उतना अच्छा नहीं लगता है, बट दिस वन इज रियली नाइस, आप इसे ट्राई आउट कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर आपके फेस पर पिंपल्स एंड ऑल है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस वन। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट, और मैंने इसे बचा बचा कर रख रही हूँ ताकि जब कुछ स्पेशल ओकेजन हो या फिर कुछ स्पेशल इवेंट हो उस टाइम मैं इसे इस्तेमाल करूंगी। आई हैव यूज क्वाइट अ लॉट, क्योंकि जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है तभी मैं इस फेस वॉश को इस्तेमाल करती हूँ। दिस इज ब्लू नेक्टर फेस क्लेंजर, ये हनी फेस क्लेंजर है एंड बहुत अच्छा इसका फॉर्मुलेशन है, इसका जो फ्रेग्रेंस है दैट्स अमेजिंग, क्योंकि इस फेस वॉश में ना जो भी इंग्रेडिएंट्स है ना दे आर रियली नेचुरल एंड वेरी गुड। तो ये फेस वॉश नायका में आपको मिल जाएगा इजीली, अमेजन पर भी शायद मिल जाएगा, लेकिन ये मेन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि इसका बहुत ही फ्लावरी सा एंड गर्ली सा इसका फ्रेग्रेंस है, तो दिस कैन ट्रबल अ बिट, बट ये वुमेन के लिए एंड गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा एक फेस वॉश है एंड ये आपके फेस को ना बहुत अच्छे से क्लीन भी करता है, हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है, ऐसा नहीं कि ड्राई आउट कर दिया फेस को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एंड ऑल स्किन टाइप्स कैन यूज दिस फेस वॉश। सो मुझे ये बहुत अच्छा लगा है एंड दिस इज, मैं इसको 2020 में ना नंबर वन रेटिंग में रखूंगी क्योंकि ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा है। वैसे तो मैंने ब्लू नेक्टर के काफी सारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया है और उनके सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं, बहुत अच्छे उनके जो रिजल्ट्स है, उनके जो बेनिफिट्स है वो बहुत अच्छा मिलता है, स्पेशली जो पेन रिलीफ ऑयल है वो, कभी मैं आप लोगों के साथ उसका भी रिव्यू शेयर करूंगी, वो मैं पार्ट टू में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दैट इज अ नेसेसिटी आई मस्ट से, क्योंकि वॉलिनी मूव सब आप भूल जाओगे अगर आप उस पेन रिलीफ ऑयल को इस्तेमाल करते हैं तो। ओके सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस ग्रीन टी, या दिस ग्रीन टी अल्कोहल फ्री टोनर, ये प्लम ग्रीन टी अल्कोहल फ्री टोनर है, और ये टोनर ना मेरे पास बहुत पहले से ही था, मतलब 2020 के स्टार्टिंग से ही था, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करती थी क्योंकि एक बार इस्तेमाल करने से ना मुझे ब्रेकआउट हो गया था, आई डोंट नो शायद वो किसी और प्रोडक्ट की वजह से मुझे वो हुआ था ब्रेकआउट, बट इवेंचुअली जब मैंने इसे स्टार्ट किया इस्तेमाल करना आई जस्ट लव्ड दिस, क्योंकि ये ऑलमोस्ट यहां तक अभी बाकी है और बस स्मॉल क्वांटिटी में ही इसे चाहिए, दैट्स इट। और ये फेस को ना मैं क्या करती हूँ पर्सनली, मैं मेकअप को रिमूव करती हूँ उसके बाद क्लेंजिंग मिल्क से, उसके बाद मैं इस टोनर को कॉटन वॉल में डिप करके अपने फेस को वाइप आउट कर लेती हूँ, तो जो भी रेसिड्यू होता है मेकअप का वो रिमूव करता है ये इजिली। सो आई लव दिस टोनर, और ये मैं अपने फेस पर स्प्रे नहीं करती, मैं फेस पर रोज वाटर को स्प्रे करती हूँ, बस मैं इसे अपने फेस को वाइप आउट कर लेती हूँ, तो जो भी एक्सेस डर्ट एंड ऑल है, जो रेसिड्यू होता है ना, वो ये अच्छे से क्लीन कर देता है। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस परफ्यूम, ये है रैमसन परफ्यूम, ये परफ्यूम आपको नायका पर इजीली मिल जाएगी, आप नायका पर जाइए और परफ्यूम्स करके सर्च कीजिए एंड देन प्राइस लो टू हाई कीजिए, तो ये आपको फर्स्ट में ही शायद मिल जाएगी क्योंकि इसका प्राइस बहुत कम है, शायद 100 रुपीज के आसपास ही है इसका प्राइस,
कॉलेज गोइंग गर्ल्स एंड स्कूल गोइंग गर्ल्स कैन डेफिनेटली ट्राई, बट इसका जो फ्रेग्रेंस है ना वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत फ्लावरी सा फ्रेग्रेंस है, स्ट्रांग एक गर्ली परफ्यूम है ये। तो अगर आपको स्ट्रांग फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं है देन दिस इज नॉट फॉर यू। और इसका जो फ्रेग्रेंस है ना ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब एक बार मैं स्प्रे करती हूँ तो 2 to 3 hours इजिली ये स्टे करता है। सो दिस इज रियली अ स्ट्रांग फ्रेग्रेंस, बट बहुत अच्छा इसका फ्रेग्रेंस है, इट्स वेरी मच्योर फ्रेग्रेंस। और ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी कि ये इतना चीप है, इतना अफोर्डेबल है, ऐसा लगता है कि कोई हाई एंड ब्रांड्स की परफ्यूम है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ना वो एक नेल पॉलिश है, और इस नेल पॉलिश को मैंने अपने नायका हॉल में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये बहुत ही ज्यादा ब्राइट एक येलो कलर है, ये एलिटिन के नेल पॉलिश है, ये नायका में आपको इजिली मिल जाएगी। और इसका कलर मुझे काफी अच्छा लगा। आजकल तो हम लोग सभी फोटोज एंड ऑल क्लिक करते ही है किसी भी इवेंट में या फिर डे टू डे लाइफ में, तो ये फोटोज में बहुत अच्छा दिखता है। सो आई थिंक दिस इज अ मस्ट हैव, अगर आप यूट्यूबर है या फिर आपको फोटोज क्लिक करना काफी अच्छा लगता है देन यू कैन गो फॉर दिस कलर। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस मेबेलिन कलर शो नेल पॉलिश रिमूवर, और ये नेल पॉलिश रिमूवर बहुत अच्छा है, मतलब जस्ट एक बार ही आपको लेना है इसे एंड इट विल रिमूव ग्लिटर्स ऑल्सो, मतलब अगर आप ग्लिटर नेल पॉलिश आपने अप्लाई किया है तो ये उसे भी रिमूव कर देता है जस्ट वन स्वाइप में ही। सो दिस इज वेरी स्ट्रांग एंड ये बहुत अच्छा है, बस थोड़े से ही क्वांटिटी में चाहिए। सो आई लव दिस वन, और इसमें ना उसका एकदम स्ट्रांग एल्कोहल जैसा फ्रेग्रेंस भी नहीं है, बट इसमें अल्कोहल फ्री ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है, सो आई कैन नॉट से कि ये अल्कोहल फ्री है, बट इसमें स्ट्रॉन्ग जैसा जो फ्रेग्रेंस होता है वैसा कुछ भी नहीं है। सो और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज अगेन अ वाओ प्रोडक्ट, ये वाओ स्किन सेक्स यूवी वाटर स्प्रे है, ये SPF 30 का है, और ये जो यूवी वाटर स्प्रे है ना ये बहुत अच्छा है, मतलब अगर आपके फेस ड्राई है, ऑयली है, सेंसिटिव है, फिर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे इस्तेमाल करने का जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप सनस्क्रीन कोई भी क्रीम वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं सनस्क्रीन, तो आप उसे इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद मेकअप कीजिए एंड एज अ मेकअप सेटिंग स्प्रे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये फेस को ड्यूए बनाता है, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करता है और एकदम लॉक कर देता है। सो आपको एक ऊपर से एक सनस्क्रीन का प्रोटेक्शन मिल रहा है, सो दिस इज वेरी नाइस। और आप अपने हैंड बैग पर इसे रखिए, कहीं पर आपको लग रहा है कि यू आर स्टेपिंग आउट और तो आप जस्ट इसे अपने फेस पर स्प्रे कीजिएगा। और एक बोनस पॉइंट है जो मैंने नोटिस किया है, जब भी मैं इसे अप्लाई करती हूँ ना तो मेरे फेस पर बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन जो है ये पोल्यूशन से भी प्रोटेक्ट करता है, ये मुझे पर्सनली फील हुआ है। हालांकि यहाँ पर कुछ ऐसा क्लेम भी नहीं किया है, इसमें जस्ट लिखा है कि ये सन से प्रोटेक्ट करता है, बट आई पर्सनली फेल्ट कि ये पोल्यूशन से भी आपको थोड़ा बहुत तो प्रोटेक्शन देता है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, जो भी लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगी, मैं नायका के लिंक्स प्रोवाइड करूंगी, पर आप चाहते हैं तो इन प्रोडक्ट्स को किसी भी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।